अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज संडे है, मॉर्निंग है। आज हम ऑल डे घर में स्टे करेंगे क्योंकि हम यस्टरडे बहुत थक गए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत फन करवाया। तो आज हमने डिसाइड किया कि अब आज हम कहीं नहीं जाएंगे। और अभी जो टाइम है ब्रेकफास्ट का है, सोनिया ब्रेकफास्ट बना रही है और देखते हैं कि सोनिया ब्रेकफास्ट में क्या बना रही है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फरमाइश है। जी सोनिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी मुझे आने लगी है छींक और वो रुक गई है। तो खैर एनीवेज, मैं हज़ाफ़ा के लिए बना रही हूँ रोटी। इसके ऊपर लगाऊंगी देसी घी, वो स्पिनिश के साथ खाएगा। हानिया के लिए मैं पराठा बना रही हूँ, हानिया ने खाना है योगर्ट के साथ। साकिब ने पराठे खाने आलू के, और मैं कभी सोच रही हूँ कि योगर्ट के साथ रोटी खा लूँ। फिर मैं सोच रही हूँ अगर योगर्ट के साथ मैंने रोटी खा ली तो फिर चाय नहीं पी जाएगी, क्योंकि मीठा मीठा हो जाएगा। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या खाऊं। तो मैं अभी सोचूंगी फिर कुछ बोलूंगी। वो गाना है ना, सोचूंगी देखूंगी, तो वही बात है। कल परसों फिर बोलूंगी, उसमें कहते हैं तो मैं कहती हूँ 2-3 मिनट्स के बाद कुछ करूंगी कि क्या खाना है मैंने। तो लेट्स सी। तो साकिब आज बना रहे हैं आलू अंडे का सालन, है ना? और ये क्विक हो जाएगा क्योंकि आज कुछ और बनाने का दिल नहीं कर रहा। और बाहर से भी हमने बहुत ज्यादा खा लिया। हाँ, अभी अब बाहर का खाने का दिल नहीं कर रहा। नहीं खाना चाहिए ज्यादा बाहर से। और मैं गूंदने लगी हूँ आटा। मैं आटा गूंद लूंगी और साके भी जल्दी से कोई बना लेंगे। मैंने सालन बना लिया है आज, और आज दिल कर रहा था कि आलू अंडे का सालन बनाऊं और इसके साथ देसी घी की रोटी खाऊं। उसका अपना ही मजा है। आज बाहर का खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोनिया को कहा कि आज मैं बनाता हूँ जो मैं बना सकता हूँ। और सोनिया बना रही है बच्चों के लिए फ्रूट चाट। बच्चों के लिए हम भी खा लेंगे। आप अपनी बात, क्या नहीं खानी हानिया ने फ्रूट चाट? क्यों नहीं खानी? नहीं खानी उस टाइम। नहीं, खा लो ना बेटा। बेटा आपकी फेवरेट है, आपकी फेवरेट है, आपका पता है आपको, आपका फेवरेट है फ्रूट चाट। मम्मा ने क्रीम भी डालनी है, पता है? मेरा बेटा ट्राई करना, ओके? आप ऑलवेज खाती हो, बनाना बनाना भी डालनी है मम्मा, बनाना। लेकिन मम्मा एवरीथिंग डालनी, एवरी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी भी, बनाना भी, पियर भी, ठीक है, और क्या कहते हैं, एप्पल भी, एवरीथिंग, ठीक है? ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा, ओके? ट्राई करो। मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, सो ज़्यादा मस्त नहीं है। ये क्या डोल है आपकी? जी ये बियर है, इसका टॉय है। ओ बियर है बेबी। रियल बेबी है? नहीं, फेक नहीं है। ये भी रियल है। चलो मैं आपके लिए फ्रूट चाट लेके आता हूँ। ना 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 ना, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है क्यों? मैं तो क्या अभी नहीं खानी, बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें अभी, अभी मम्मा बना के रख देंगी, तो फिर आप बाद में जब आपका आपको फील होगा फिर आप खा लेना। क्रीम चाट लाहौर वालों को स्पेशली पता है ना, समनाबाद की। समनाबाद की जो क्रीम फ्रूट चाट है ना, बहुत फेमस भी है और बहुत जबरदस्त भी है। तो जैसी आप घर में नहीं बना सकते, लेकिन आप वो
मोस्टली रमजान में तो डेली बनती है लेकिन क्रीम हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है ज्यादा। हाँ ज्यादा नहीं अच्छी, सम टाइम आप यूज कर सकते हैं क्रीम। ये बन रही है रात की रोटी और देसी घी इसलिए लग रहा है क्योंकि आलू अंडे का जो सालन बना है उसके साथ देसी घी की रोटियां अच्छी लगती हैं। और मेरा आज पता नहीं मीठा अंडा खाने का दिल कर रहा तो मैं सोचती हूँ कि मीठा अंडा बनाऊँ मैं आज दूध डाल के। ना आपने खाना है खाके? नहीं मैं ऑलरेडी इतना मीठा खा चुका हूँ। मैं वो मीठा अंडा यार क्या मजे का लगेगा रोटी के साथ, आप खा के ट्राई करना। सोनिया मीठा अंडा बनाने लगी है तो मैं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आज इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स खा ली हैं तो इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा मीठा अंडा खाने को। तो कि सोनिया कैसे मीठा अंडा बनाएंगे? पहले तो आप ये बताएं चॉकलेट्स कब खाई हैं तो? मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपने चॉकलेट्स खाई हैं। मुझे लगता है चलते फिरते खाते रहे हो आज। हाँ आज वो बहुत मजे किए आज। आज हानिया ने भी सही वीकेंड का फायदा उठाया आपने। अच्छा जी तो गाइस मैं आज बनाने लगी हूँ मीठा अंडा काफी टाइम के बाद। मेरे ख्याल से मैं जब से यूके में आई हूँ साकिब मैंने एक ही दफा बनाया था। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। सिर्फ एक दफा बनाया हुआ है और अब मैं मेरा दिल कर रहा बहुत खाने का। याद है कैसे बनाना है? हाँ थोड़ा सा देखती हूँ। मैं देसी घी का बना रही हूँ। 1 स्पून मैंने लिया है देसी घी, थोड़ा सा और ले लेती हूँ ठीक है। और अब इसी के अंदर मैं ऐड करूंगी एग। ये मैंने ऐड कर लिया है एग। मैं 1 एग बना रही हूँ क्योंकि मैंने केली ने खाना है रोटी के साथ तो और तो किसी ने नहीं खाना है। तो और मैं इसमें ऐड करूंगी ये क्या है, अच्छा जी थोड़ा सा मिल्क ऐड करते हैं इसमें। बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा बस। अच्छा मामा तो इसमें मलाई भी डालती थी इसकी वजह से तो और भी अच्छा टेस्ट आता था। आज तो शुगर भी जाएगी इसके अंदर। शुगर उसके अंदर डाल के मैं करती हूँ। शुगर मैं आइडिया से ले रही हूँ, आई थिंक इसके अंदर कम ही रखो है ना। बहुत इनफ है। कैसा बनता है मीठा जैसा मम्मा बनाती थी वैसा तो मुझसे नहीं बनेगा। अपने अपने हाथ का जायका भी होता है ना। और वैसे भी जब से इस कंट्री में आई हूँ 10 साल हो गए हैं तो मैंने तो एक ही दफा पहले बनाया था। अच्छा बहुत सारे लोग खाते भी नहीं है, उन्होंने सुना भी फर्स्ट टाइम होता है मीठा अंडा ये क्या होता है। आपने भी ऐसे सुना था ना। मैंने एक दफा डैड को भी बना के खिलाया था तो गाइस अब हम डिनर करने लगे हैं। बच्चों ने डिनर कर लिया है और ये देखें जो सोनिया है वो खा रही है मीठा अंडा और दूसरा जो आपने बनाया था जो मैंने आज बनाया था आलू अंडे। और ये देखें मैं बचे हुए सालन खा रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे जब एक दिन से ऊपर हो जाए वो नहीं खाते। तो मेरी ये कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट ना हो, खाई जाए तो अच्छी बात है क्योंकि हम इसी के लिए डे एंड नाइट काम करते हैं। बिल्कुल तो रिस्क को जाया नहीं करना देना चाहिए। सब आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। अब साकिब खा रहे हैं फिश। ये सोनिया ने कल बनाई थी फिश और फिश जो है वन ऑफ माई फेवरेट जो है फूड है सी फूड जो कि मैं जितना भी खाऊं मैं फैट नहीं होता। कभी कभी आप हो जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा फिश नहीं वो वन गो में अगर मैं ज्यादा खा लूं तो फिर है, अदरवाइज अगर मैं डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी खाऊं तो ये मुझे एवरी डे दे दे आई डोंट माइंड। बहुत गर्म है
सोनिया ट्राई करोगी? नहीं आप खाएं। ये वाइट वॉर्डरोब्स का यही होता है कि साथ साथ साफ करते रहो किचन तो साफ रहता है। जरा सा थोड़ा सा गैप डाल दो तो फिर इनको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हम तो एवरी अदर डे करते हैं क्लीन, इसलिए तो साफ है ताकि जो डीप क्लीनिंग है वो करनी ना पड़े। चलो कहते हैं ना आज हम डीप क्लीनिंग कर रहे थे तो मैं कहती हूँ ऐसा मौका ही ना दो कि आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़े। साफ साफ करते रहो तो हर चीज साफ रहती है। जैसे अब हमारा शुक्र है अल्लाह का साफ रहता है सारा क्योंकि करते रहते हैं साफ। मैंने कहा अब ये काफ़ी मैस डला हुआ है, चीज़ें रखो वार्डरोब में दोबारा से, बाहर फिर ऐसी गलती होती है चीज़ें, और वो ड्रेस भी रखूँ जो डोंकी पे पहन के गई थी। एक दफ़ा चीज़ें निकल आए ना बाहर फिर सुस्ती हो जाती है कि वापस चीज़ें रखने के लिए ना, तो इसको मैं वापस रखती हूँ। हेल्प कर दिया। बच्चे सो गए, बड़ी मुश्किल से सोए क्योंकि बच्चे आज आराम से उठे थे क्योंकि रात जो है ना वो यस्टरडे लेट सोए और सुबह आराम से उठे। आराम से उठे तो नींद पूरी हो चुकी थी, अभी कैसे सोएंगे, इसलिए उनको नींद नहीं पूरी हो रही थी। लेकिन ये कि कल बैक टू नॉर्मल रूटीन मंडे टू फ्राइडे, आज हमने सारा दिन खाया पिया और रेस्ट किया और ताकि कल का दिन जो है मंडे जो है वीक का जो है वो फ्रेश स्टार्ट हो ताकि मंडे टू फ्राइडे फिर हमारी भाग दौड़ लगी। और ये वीकेंड हमारा कैसे गुजरा कुछ पता नहीं चला क्योंकि सैटरडे बच्चों को जब बाहर लेकर गए हैं एक दिन तो वैसे गुजर गया, और आज का जो दिन था जिसमें हमने रेस्ट भी करना था और कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया हमने, तो मुझे अभी याद आया कि मैंने टॉवल चेंज किए हैं तो मशीन तो मैंने चलाई नहीं, तो अब मैंने वो टॉवल जो है मशीन में डाल के अब मशीन चलाई है मैंने। और गाइस 11:30 हो गए तो अभी इन्होंने कपड़े डालने मशीन में डाल दिए मैंने, डाल दी okay. अब मैंने अब वो जैसे ही हो जाएंगे तो अब उसको मैं हैंग कर दूंगी तो इंशाल्लाह, क्योंकि अब जब आप 5 डेज काम करते हैं तो एक वीकेंड ही मिलता है जिसमें आपने घर के पेंडिंग काम भी करने हैं और हर चीज को आपने मैनेज करना है और देखना है, प्लस आपने फैमिली को भी इग्नोर नहीं करना, बच्चों को भी टाइम देना, तो ये सब चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 2 दिन का इसलिए हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारे जो काम होते हैं पेंडिंग और बाकी जो हमारा अपना टाइम होता है तो उसके लिहाज से जो है 2 दिन बहुत कम है। लेकिन हमें फाइनली 2 दिन ही मिलते हैं, थैंक गॉड के चले 2 दिन भी मिल जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे जो 7 डेज काम करते हैं लेकिन हमने 2 दिन कहते हैं कि अपने लिए टाइम निकालते हैं। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, तो मैं तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो डिजर्व करते हैं अल्लाह ताला ने, हम इतना भी डिजर्व नहीं करते हैं मुझे लगता है कि जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए हर हाल में। पता नहीं हम दिन में कितने गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला ने जैसे 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया हुआ है तो हम तो वो पूरी 5 नमाजें भी एक दिन में नहीं पढ़ते, 1 पढ़ ली 2 पढ़ ली 3 पढ़ ली, तो नमाज भी पढ़नी चाहिए हमें और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा भी हर हाल में करना चाहिए। इसी अच्छी बात के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरी मशीन भी जो है वो स्पिन कर रही है, आपको आवाज आ रही होगी और मुझे बुला रही है। अब मैं अपने टॉवल्स वगैरह हैंग करके फिर हम सोएंगे। सो आई होप कि आपने आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज गाइस आपकी सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं ताकि हम अपने व्लॉग को और मजीद अच्छे से अच्छा लेकर आएं आपके लिए। सो गाइस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमसे दिल ले।